गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। सो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे स्टैटिस्टिक्स का नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो सबसे पहले ये जो वर्ड डिस्पर्शन है, ये हमें क्या बताता है? तो हम देखते हैं डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मीन्स, डिस्पर्शन का मीनिंग क्या होता है? फ्लक्चुएशन। डिस्पर्शन मीन्स फ्लक्चुएशन और वेरिएशन। और क्या कह सकते हैं? वेरिएशन। डिस्पर्शन का मतलब है फ्लक्चुएशन, फैलाव। किस में फ्लक्चुएशन होता है? वैल्यूज में, वेरिएबल्स में। तो जो हमारे पास डेटा गिवन होगा, उसमें जो भी फ्लक्चुएशन है, वेरिएशन है, उसे हम क्या कहेंगे? डिस्पर्शन। उसे हम कहते हैं डिस्पर्शन। जैसे क्लास में किसी स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं 60, किसी के हैं 70, किसी के 80, 90 और 100 और 100। अगर हम इसका एवरेज निकालें तो एवरेज मार्क्स कितने आएंगे? तो इन सब का एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन सब का टोटल एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसा हमने किया था प्रीवियस चैप्टर में। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज आएगा 80। एवरेज आ जाएगा 80। तो 60 एंड 80 का डिफरेंस कितना है? -20। 70 एंड 80 का डिफरेंस कितना है? -10। 80 एंड 80 का डिफरेंस 0। 90 एंड 80 का डिफरेंस 10 एंड सो ऑन। That means, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसमें क्या है? फैलाव है। they are distributed. एक और टर्म जो हम यूज ले सकते हैं, दैट इज स्कैटरनेस, बिखराव, फैलाव। तो जो भी हमारे ऑब्जर्वेशन है वो सारे कभी सेम नहीं होते। तो किसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो किसी की वैल्यू कम होगी। तो इस चैप्टर से हमें क्या करना है? दिस चैप्टर इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो हम इस चैप्टर की हेल्प से आसानी से ले सकते हैं। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से सेंट्रल टेंडेंसी यूजफुल होता है फॉर डिसीजन मेकिंग, बिल्कुल वैसे ही यूजफुल है हमारा चैप्टर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। ठीक है, अब कैसे इंपॉर्टेंट है वो देखें। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। There are two companies, X Limited and Y Limited. ये दो companies हैं। दोनों company को कुछ profit earn होता है। तो हमने कहा first year में, second year में, first year, second year and third year, ये 3 years है हमारे पास। तो company X लिमिटेड को फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट होता है 50 लैक्स का, सेकेंड ईयर में लॉस हो गया कितना? 50 लैक्स का, और फिर थर्ड ईयर में इसे प्रॉफिट हो गया 30 लैक्स का। अगर हम टोटल करें तो टोटल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 30 लैक्स। 30 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है X लिमिटेड ने 3 सालों में। अगर एवरेज निकाला जाए तो एवरेज कितना आएगा? तो एवरेज के लिए क्या करेंगे हम? एवरेज के लिए 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स, दैट इज 3। तो एवरेज आ जाएगा हमारा 10 लैक्स। एक्स लिमिटेड का 3 साल का प्रॉफिट और लॉस हमारे पास है और हमने एवरेज भी फाइंड आउट कर लिया है, दैट इज 10 लैक्स। सिमिलरली वाई लिमिटेड है हमारे पास और वाई लिमिटेड को फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट होता है 10 लैक्स, सेकेंड ईयर में प्रॉफिट होता है 9 लैक्स एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट होता है 11 लैक्स। टोटल प्रॉफिट कहेंगे तो कितना होगा? 30 लैक्स। 30 लैक्स इज द टोटल प्रॉफिट। एंड एवरेज निकाले तो 30 upon 3 years, दैट इज 10 लैक्स। तो 10 लाख रुपए का क्या हो गया है? एवरेज प्रॉफिट। तो कंपनी एक्स एंड कंपनी वाई, दोनों कंपनी में क्या है?
10 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट है। अब हमें क्या करना है, हमें एक डिसीजन लेना है। क्या डिसाइड करना है कि एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड इन दो कंपनीज में से किसी एक कंपनी में हमें पैसा इन्वेस्ट करना है। किसी एक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो हम कहां पर करेंगे, एक्स लिमिटेड या वाई लिमिटेड, ये आपको सोच के बताना है। हम दोनों में से कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, दोनों का एवरेज प्रॉफिट देखा जाए तो क्या है, बिल्कुल सेम है, 10 लाख एंड 10 लाख, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, एक्स या वाई? तो काफी स्टूडेंट आंसर कर रहे हैं वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड है तो वाई क्यों, वाई लिमिटेड ही क्यों? तो अगर हम कंपेयर करें, एक्स लिमिटेड को फर्स्ट ईयर में 50 लाख का प्रॉफिट, सेकंड ईयर में 50 लाख का लॉस, दैट मींस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है, वेरिएशन बहुत ज्यादा है। एक तरफ 50 लाख का प्रॉफिट है तो अपोजिट में 50 लाख का लॉस भी है, तो गैप कितना हो गया, गैप हो गया 100 लाख का, दैट इज 1 करोड़, इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन है। उसके बाद में 80 लाख का फ्लक्चुएशन है। बट अगर हम वाई लिमिटेड को कंपेयर करें, 10 लाख एंड 9 लाख फ्लक्चुएशन कितना है, 1 लाख, 9 लाख एंड 11 लाख फ्लक्चुएशन कितना है, 2 लाख। तो एक्स लिमिटेड में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है और वाई लिमिटेड में फ्लक्चुएशन कम है। तो भी फ्लक्चुएशन या वेरिएशन से क्या फर्क पड़ता है, फ्लक्चुएशन या वेरिएशन से क्या फर्क पड़ता है? तो अगर हम देखें, जहां पे वेरिएशन ज्यादा होगा या जहां पर फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा, दिस मींस वहां पे रिस्क भी ज्यादा होगी। जहां वेरिएशन या फ्लक्चुएशन ज्यादा है, दैट मींस वहां रिस्क भी ज्यादा है। और जिस कंपनी में वेरिएशन कम है या फ्लक्चुएशन कम है, तो वहां पर हम कहेंगे रिस्क भी क्या है, कम है, वहां रिस्क भी कम होगी। तो ऑन कंपेयरिंग, एक्स के अंदर वेरिएशन ज्यादा था, दैट मींस एक्स लिमिटेड में रिस्क ज्यादा है और वाई लिमिटेड में रिस्क कम है। तो ऐसे केस में हम इन्वेस्टमेंट कहां पे करेंगे, जहां पे रिस्क कम हो। तो ऑफ कोर्स वाई लिमिटेड में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे बिकॉज यहां पर रिस्क कम है। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग। तो सेंट्रल टेंडेंसी भी तो इसी काम में आता है। तो हमें ये ऑलवेज ध्यान रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सेकेंड प्रायोरिटी। जब भी हम डिसीजन लेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है एवरेज। अगर एवरेज अच्छा है तभी हम चेक करेंगे कि उसमें वेरिएशन या फ्लक्चुएशन कितना है। अगर एवरेज अच्छा नहीं है तो हमें डिस्पर्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मान लें एक और कंपनी है जेड लिमिटेड, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 100 रुपीज, सेकेंड ईयर का 100 रुपीज, थर्ड ईयर का भी 100 रुपीज, तीनों साल का प्रॉफिट कितना है, 100 रुपए। अब देखा जाए तो इसमें क्या है, वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं है, फ्लक्चुएशन बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, क्या हम जेड लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसका एवरेज प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट सिर्फ 100 रुपए है, ओनली 100 रुपीज, जबकि इन कंपनीज में एक्स एंड वाई लिमिटेड में कितना है, 10 लाख रुपए। तो सिर्फ हमें वेरिएशन या फ्लक्चुएशन को चेक नहीं करना है, हमें साथ में देखना है एवरेज कैसा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम रखेंगे एवरेज, दैट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एंड सेकेंड प्रायोरिटी पे हम रखेंगे डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। तो इसीलिए कहा जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को हम कहते हैं एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन को हम कहते हैं एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर, एवरेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत, परफेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इस चैप्टर के लिए एक सेइंग बनी है, इस चैप्टर के लिए एक सेइंग बनी है और वो सेइंग क्या है वो समझते हैं। एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, उसका मीनिंग आपको समझना है। हिंदी में है सेंटेंस, लेखा जोखा ज्यों का त्यों, लेखा जोखा ज्यों का त्यों, फिर भी कुनबा डूबा क्यों। अब इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ये शो करता है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस। ये क्या कहना चाह रहा है, लेखा जोखा ज्यों का त्यों फिर भी कुनबा डूबा क्यों। लेखा जोखा का मतलब क्या है, कैलकुलेशंस। हमने बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया, कुछ चीजें कैलकुलेट की और फिर भी कुनबा डूब गया। अब ये सेंटेंस एक सिचुएशन पे बेस्ड है। सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि हमारे पास यहां पर एक रिवर बनी है और रिवर के इस प्लेटफॉर्म पे, इस नदी के किनारे पे कुछ लोग खड़े हैं। रिवर के पास में चार लोग खड़े हैं, चार जने हैं और इन्हें क्या करना है, इस रिवर को क्रॉस करना है, इन्हें इस रिवर को क्रॉस करना है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर को पढ़ रखा था, तो इन्होंने फाइंड आउट की है एवरेज हाइट ऑफ द रिवर। इस रिवर की इन्होंने एवरेज हाइट फाइंड आउट की है, तो इन्होंने क्या किया, हर लेवल पे, हर डिफरेंट लेवल पे रिवर की हाइट को मेजर किया और फिर उसका एवरेज कैलकुलेट कर लिया। तो रिवर की एवरेज हाइट, रिवर की जो एवरेज हाइट आ रही थी, ये एवरेज हाइट इन सभी की हाइट से क्या थी, कम थी। एवरेज हाइट ऑफ द रिवर वॉज लेस देन एवरेज हाइट ऑफ दीज फोर पर्संस। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि रिवर की एवरेज हाइट तो कम है, अब हम इसको क्रॉस करने के लिए आगे निकल जाते हैं। तो जैसे ही ये लोग आगे बढ़े रिवर को क्रॉस करने के लिए, तो क्या हुआ, थोड़ा आगे जाके ये लोग डूब गए, थोड़ा आगे जाके ये लोग डूब गए। दैट मीन्स इनकी सारी कैलकुलेशन वेस्ट हो गई। लेखा जोखा ज्योका त्यों, इन्होंने इतनी मेहनत करके सारी कैलकुलेशन की, एवरेज निकाला और वो सब कुछ वेस्ट हो गया। कुनबा का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन, कुछ लोग जो यहां पर खड़े हैं। तो ये लोग फिर भी डूब गए सारी मेहनत और कैलकुलेशन करने के बाद में। तो ऐसी क्या गलती कर दी इन्होंने, इन्होंने गलती ये की, इन्होंने सिर्फ एवरेज हाइट फाइंड आउट की, जबकि इनको कैलकुलेट करना था डिस्पर्शन, डिविएशन, कि ये जो हाइट है इस टॉप से लेके बॉटम तक ये हाइट कितनी है, इनको ये मेजर करना था। अगर ये हाइट इनकी हाइट से ज्यादा है, दैट मीन्स ये लोग डूब जाएंगे। तो इन्होंने ये कैलकुलेशन नहीं की, और ऐसा ये लोग क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने डिस्पर्शन चैप्टर को नहीं पढ़ा था। तो ये शो करता है इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस, कि जितना इंपॉर्टेंट हमारा पिछला चैप्टर था एवरेज, उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा ये चैप्टर भी है, दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो डिस्पर्शन में इसको हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकंड वन इज नोन एज रिलेटिव मेजर। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन का फर्स्ट पार्ट है एब्सोल्यूट मेजर एंड सेकंड वन इज रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट शोज अमाउंट ऑफ वेरिएशन
It shows amount of variation. कि कितना variation है in terms of amount. Whereas relative measure shows degree of variation. ये show करता है degree of variation. अब amount of variation and degree of variation इसका meaning क्या है? जैसे किसी person की मान लेते हैं salary. किसी person की salary कितनी है? Rupees 10,000. 10,000 रुपए. और 10,000 से बढ़कर वो हो गई है 12,000. 12,000 rupees. Salary increase हो गई 10 से लेके 12,000 रुपए. तो कितना change आ गया है? 10 से 12, that means rupees 2,000. 2,000 रुपए का यहाँ पर change आ गया है. तो इस 2,000 rupees को हम क्या कहेंगे? It is amount of variation. ये variation का amount reflect करता है. But degree का मतलब क्या है? Degree का मतलब है, ये variation बताएगा in terms of ratio. या तो ratio की terms में, और in terms of percentage या फिर percentage की terms में, in terms of ratio और percentage. तो अगर salary 10 से 12,000 हो गई, तो percentage terms में कितना change हुआ है? तो हम कहेंगे 2,000 upon 10,000 into 100, that is 20%. 20% का change हो गया है किसमें? Salary में. Salary increased by 20%. So, relative measure बताता है degree of variation, लेकिन absolute measure बताता है amount of variation. Next point. Absolute measure के पीछे unit कौन सा लगेगा? तो यहाँ पे unit कुछ भी हो सकता है. Like rupees, kilogram, meter, लीटर एटसेट्रा. यूनिट कुछ भी हो सकता है. जैसे अगर क्वांटिटी है और क्वांटिटी पहले हम कंज्यूम कर रहे थे 10 kg, बट अभी हम कंज्यूम कर रहे हैं कितना? 8 kg. तो वेरिएशन कितना हो गया? 2 kg का. 2 kg का वेरिएशन है. 2 kg का क्या है? वेरिएशन है. So, यहाँ पे unit of measurement कुछ भी हो सकता है. Rupees, liter, meter, centimeter, कुछ भी. लेकिन, अगर बात आती है relative measure की, वहाँ हम क्या कहेंगे? It is a unit free measure. Relative क्या है? एक unit free measure है. वहाँ पे कोई unit नहीं लगता है. क्यों नहीं लगता है? Because it is expressed in terms of ratio or in terms of percentage. उसे या तो रेशियो की टर्म्स में या फिर परसेंटेज की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है. सो इट इज अ यूनिट फ्री मेजर. फाइन. नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट हम कहते हैं रिलेटिव मेजर इज यूज फॉर कंपैरिजन. रिलेटिव मेजर कंपैरिजन करने के काम में आता है. It is used for comparison. जैसे दो कंपनी हैं, दोनों कंपनीज डिविडेंड पे कर रही हैं, तो कौन सी कंपनी ज्यादा बेटर है इन पेइंग डिविडेंड? तो हमें दोनों को कंपेयर करना है. तो जहां पे कंपैरिजन की बात आती है, हम यूज करेंगे क्या चीज? हम यूज करेंगे रिलेटिव मेजर. एंड एब्सोल्यूट मेजर इज नॉट यूज फॉर कंपेरिजन. एब्सोल्यूट को कंपेरिजन में काम में नहीं लिया जाता है. फाइन. फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है एब्सोल्यूट मेजर इज इजी टू कैलकुलेट. वेयर एज रिलेटिव मेजर इज समवॉट डिफिकल्ट. रिलेटिव मेजर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एब्सोल्यूट मेजर इजी है. देन इस चैप्टर में हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं एब्सोल्यूट मेजर में? हम कवर करेंगे रेंज, रेंज के साथ में क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड
स्टैंडर्ड डेविएशन। ये चार चीजें हमें फाइंड आउट करनी है इस चैप्टर में। और रिलेटिव मेजर में क्या आ जाएगा, इन सब के कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज कॉमा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इन चारों के कोफिशिएंट ये किस में आते हैं, रिलेटिव मेजर में। फाइन, चलिए फटाफट से इसे रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के दो पार्ट हो गए, फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एंड सेकेंड वन इज रिलेटिव। एब्सोल्यूट शोज अमाउंट ऑफ वेरिएशन, वेयर एज रिलेटिव शोज डिग्री ऑफ वेरिएशन। डिग्री का मतलब है इन टर्म्स ऑफ रेशियो और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। सेकेंड पॉइंट में हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट मेजर के पीछे कोई भी यूनिट लग सकता है, रुपीज, किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी, लेकिन रिलेटिव मेजर इज यूनिट फ्री। देन रिलेटिव मेजर को यूज लेंगे कहां पे, कंपैरिजन में, बट एब्सोल्यूट मेजर इज नॉट यूज फॉर कंपैरिजन। एब्सोल्यूट मेजर इज इजी टू कैलकुलेट बट रिलेटिव मेजर इज समवॉट डिफिकल्ट। देन लास्ट वन, एब्सोल्यूट मेजर में हमें क्या पढ़ना है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और फिर रिलेटिव मेजर में हम क्या पढ़ेंगे, वहां हम डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड लास्ट वन कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये चार चीजें हमें पढ़नी है रिलेटिव मेजर में। फाइन, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट हेडिंग पे, दैट इज रेंज। तो लगा लीजिए फर्स्ट हेडिंग रेंज। नाउ इस रेंज वर्ड का मीनिंग क्या है, रेंज वर्ड हमने हमारी डेली लाइफ में कहीं बार यूज किया है, कहां पर यूज किया है ये सोचने वाली बात है। कि जैसे कहीं भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, हम जा रहे हैं कहीं पे शॉपिंग के लिए और हमें खरीदना है एक टी शर्ट। अब जैसे ही हम दुकानदार के पास गए टी शर्ट खरीदने के लिए, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या होता है, तो दुकानदार आपसे सबसे पहले ये पूछेगा किस रेंज में दिखाऊं। दुकानदार क्या पूछेगा, किस रेंज में आपको टी शर्ट देखना है। तो ये उस शॉपकीपर का पहला क्वेश्चन आ गया कि किस रेंज में दिखाना है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग आंसर करते हैं। कि हमारा आंसर क्या हो सकता है कि भैया 1000 से 1500 रुपए तक का दिखा दूं, या फिर हम कह सकते हैं 1500 से 2000 तक का दिखा दूं। तो हम उसे क्या बता रहे हैं, एक रेंज। तो रेंज का मतलब क्या है, रेंज में दो वैल्यूज आ रही है, एक लोअर वैल्यू दूसरी हायर वैल्यू, एक लोअर वैल्यू और एक हायर वैल्यू। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस उसी को हम क्या कहते हैं, रेंज। इसी को हम क्या कहेंगे, रेंज। तो रेंज इज द डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। तो रेंज क्या हो गया, रेंज इज द डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज के डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज। तो एक्सट्रीम का मतलब क्या हुआ, दोनों कॉर्नर्स, एक की वैल्यू सबसे कम और दूसरी वैल्यू सबसे ज्यादा। तो इन दोनों कॉर्नर के डिफरेंस को, हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू के डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, रेंज। इसी हम कहेंगे रेंज। तो रेंज है दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला, दुनिया का सबसे सिंपल फॉर्मूला रेंज। कैसे आ जाएगा, रेंज इक्वल टू एच माइनस एल, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। एच इज हाईएस्ट वैल्यू एंड एल इज द लोएस्ट वैल्यू।
इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज. फाइन, बहुत सिंपल है. देन सेकेंड फॉर्मूला कौन सा है? कोफिशियंट ऑफ रेंज. कोफिशियंट ऑफ रेंज, रेंज का कोफिशियंट, दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो या इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना है. कैसे करना है वो देखें. तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे हाईएस्ट माइनस लोएस्ट डिवाइडेड बाय हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, एच माइनस एल डिवाइडेड बाय एच प्लस एल, एच माइनस एल डिवाइडेड बाय एच प्लस एल. तो इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज फॉर्मूला ऑफ कोफिशियंट ऑफ रेंज. अगर हमने इतना फॉर्मूला लिखा है तो इसका जो आंसर है ये आएगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो, ये आएगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो. और अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है किससे? 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फिर हमारा आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आएगा परसेंटेज टर्म्स में, और 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो. क्लियर हो गया? अब एग्जाम में हमें आंसर किस पैटर्न में करना है, रेशियो फॉर्म में या परसेंटेज में, ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि हमें ऑप्शन किस फॉर्म में दिया है. अगर रेशियो की फॉर्मेट में है तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और अगर परसेंटेज फॉर्म में है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. फाइन, चलिए अब लेते हैं हम इसका एग्जाम्पल. कुछ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है लाइक 10, 25, 35, 27, 40, 32 एंड 19. ये कुछ ऑब्जर्वेशन हमें गिवन है, और फाइंड क्या करना है, रेंज. हमें फाइंड करना है रेंज. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे हाईएस्ट वैल्यू एंड लोवेस्ट वैल्यू को. तो कौन सी वैल्यू हाईएस्ट है? तो हमें पता है 40 इज द हाईएस्ट वैल्यू, एंड लोवेस्ट वैल्यू कौन सी है? 10. 10 इज द लोवेस्ट वैल्यू. तो इन दोनों का डिफरेंस 40 माइनस 10 दैट इज 30. तो इस 30 को हम क्या कहेंगे, रेंज. रेंज कितना हो गया है? 30. फाइन, अब हमें फाइंड करना है कोफिशियंट ऑफ रेंज. कोफिशियंट ऑफ रेंज तो कैसे आएगा, h माइनस l दैट इज 40 माइनस 10 डिवाइडेड बाय h प्लस l. तो 40 प्लस 10 इंटू 100 इंटू 100, सो 30 अपॉन 50 इंटू 100 दैट इज 60%. कोफिशियंट ऑफ रेंज कितना क्या है? 60%. तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो फिर आंसर आता इन टर्म्स ऑफ रेशियो. तो परसेंटेज फॉर्म में तो है 60, और 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया होता तो आंसर आता 0.6. फाइन, सो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है रेंज.